आने वाले दिनों च काफ़ी बड़िया प्लैनिंग बना के बिल लिया सारे बिल रेवेन्यू रिलेटड ने सरकार को पैसा आऊ सरकार उही पैसा लोगों की सहूलतों से देऊ पर बदकिस्मती है कि साढ़े जेडे माणयोग गवर्नर साहब ने हाउस की विधानिकता ती के लीगल है जां इलीगल उते सवाल खड़े कर देंगे तो फिर मन च थोड़ा जिहा आउंदा कि जदों डेमोक्रेसी है जदों लोगों ने चुन के भेजे तो फिर वो लोगों लई फैसले क्यों नहीं कर सकते कदे वो चिट्ठी लिख के पुछ लेंदे ने कि तुसी बिजली की सबसिडी क्यों दे रहे हो कदे पुछ लेंदे है पन बस जिहड़ी है उहनूं तुसी बेल आउट क्यों करता कदे पुछ लेंदे है आ इन्ना कर्जा का रस्ता ये इन्ना कितों लिया होर हक है उन्हों का पूछ सकते हैं अभी जवाब देवे सारे चिट्ठिया पूछा जी एक सवाल पूछा सी करजा क्यों लिया किमें चढ़ता करजा खैर साढ़े तो विरसे च ही मिले सानू तो करजा पहलानी सरकार तो जे आप सिर्फ 1997 तो ही ला रही है 25 साल दो बंदियां दा राज है जी बंदियां दा दो बंदियां दा राज रहा एक तो 15 साल एक 10 साल उदों पता नहीं क्यों राजपाल साहब ने नहीं पूछा कि तुम करजा क्यों लैने हो कितने तक जा वड़िया असी करजा भी लाहांगे असी लोगों को सहूलत भी देवांगे पर इहदा मतलब ये नहीं हैगा कि तुसी चुनी हुई सरकार के कम्मां नू हर रोज कोई ना कोई तुसी जिहड़े कपाओ अज केरला गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट च फिरदी है जी गवर्नर बिल नहीं साइन कर रहा बंगाल वाले सुप्रीम कोर्ट च फिरदे जी तमिलनाडु वाले का झगड़ा चल रहा है जी मेरे सामने कांग्रेस के मेरे मानयोग MLA साहबान बैठे 7 स्टेटा तुहाडी सरकार ने 4 च कलिया ने 3 च तुसी भागीदार हो सारिया स्टेटा का रौला चल रहा झगड़ा चल रहा गवर्नर इस मामले च आपां नूं इस गल कट्ठे होना चाहिए कि सिलेक्टड या फिर इलेक्टड करजा किवें चढ़िया मैं गवर्नर साहब का सवाल हैगा मैं जवाब दे दें असी तुसी जदों कैबिनेट ने असी तुहानू बेनती की थी, तुसी बजट सैशन बुलाया पिछला एक दिन प्रवानगी देती दी अलाउड देनी भी चाहिए पता नहीं अगले दिन कोई मेमोरेंडम दे आया या कोई मन च की आया कहने ना मैं नहीं प्रवानगी दिंदा स्पीकर साहब सानू सुप्रीम कोर्ट जाना पै गया करजा दसदा मैं किवें चढ़िया बूंद बूंद नाल ही समुंदर बनता कहिंदे ना एक एक रुपये नाल ही हुंदा फिर जे बचावांगे तां वी एक रुपये नाल ही भर जाणा जे खर्चांगे तां वी एक रुपये नाल बहुत कुछ खर्चा जाणा सानू सुप्रीम कोर्ट जाना पै कि गवर्नर साहब सानू बजट सैशन नहीं बुलाउण दिंदे उत्थे 3 मिनट नहीं लगे जी 3 मिनट सिर्फ 3 मिनट की डिबेट हुई चीफ जस्टिस साहब के अगे तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि तुसीं बजट सैशन रोक नहीं सकते कहिंदे ठीक है जी असीं इजाजत दे दिंदे आ पर सर पंजाब सरकार का 25 लाख रुपये खर्च हो गया सर उत्थे जे इत्थों इजाजत दे दिंदे 25 लाख खजाने च आउणा सी जे मैं चिट्ठी पावां गवर्नर साहब नूं कि जी 25 लाख का तुसीं एक लीगल बजट सैशन नूं तुसीं सुप्रीम कोर्ट तो सानू ऑर्डर लैके आने पे तो तुसीं फिर 25 लाख साडा लग गया तो फिर वो 25 लाख किहड़े हिसाब च पाउंगे जी वो सर मैं दिलों बोल रहा दिलों एक एक रुपया पंजाब का जो वेस्ट होंदा ना दुख होंदा जो पहला वेस्ट होया वो तो हो चुका जो जो हुण हो गया तो साडी नाकामी होगी फिर ये आने वाली पीढ़ियों असं की जवाब देवे मैनू लगता है
देखो स्पीकर साहब, क्योंकि जेडे राज्यपाल नॉन बीजेपी गवर्नमेंटा तंग करते रहे हैं उन्होंने रिवॉर्ड मिलने लग गए, फिर शायद हम एक होड़ चल पी मैं बद तंग करा मैं बद तंग करा। सौ चुकानी ते सौ चुकनी च बहुत फर्क होंदा जी। शायद लाट साहब यह समझ गए कि 16 मार्च में खटखट कलम मैं सौ चुकी है जबकि उन्होंने चुकाई सी। सो जे असी गलत करांगे किसी एस एस पी नूं गलत बदल दांगे, जे असी कोई ड्रग के खिलाफ काम नहीं करांगे 2027 च लोग बदल देंगे सानू। 2027 च लोगों को जावे तो सर सवाल कर लेने बदल देंगे, लोगों का हक है। पर यह थोड़ी है कि पटवारी की बदली भी दसो क्यों की है, ये तो सरकार का काम है जी। सो शायद उन्होंने यह लगता कि जब तो पंजाब के गवर्नर राज है जां फिर वो एल जी ने दिल्ली के, जबकि दोनों है नहीं, ना गवर्नर राज है ना एल जी ने दिल्ली के। सो लोगों ने भलाई के कामों में रिचना पाया बहुत ही वधिया गल नहीं, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि असी इस सैशन नू सैनिटाइज करके अगली सिटिंग लै रहे हैं। मेरे को ब्रह्म इंदिरा जी की चिट्ठी है 23/11/2019 नू लिखी हुई है, उन्होंने भी स्पीकर साहब नू चिट्ठी लिखी हुई है कि जी 14/11 नू इशू होया जी डिपार्टमेंट का जनरल एडमिन डिपार्टमेंट वालों कि जिहड़ा हाउस है स्पैशल सिटिंग ऑफ 9th सैशन ऑफ 15th विधानसभा 26 नवंबर 2019 जिहड़ा वो बुलाया जाऊगा, क्योंकि पहला सैनेटाइज नहीं किया सी, सैनेटाइज किया सी, इस करके गवर्नर की परमिशन की जरूरत नहीं है। ब्रह्म इंदिरा जी ने चिट्ठी लिखी हुई है, तुसी सवाल साढ़े ते करी जाने हो कि लीगल है या इलीगल है, असं तो कहने लीगल है। इतने बहुत कम होणगे हजे मुद्दों से बोलना है, पर जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है उहदे विच वो कहिंदे तीन जिहड़े बिल ने मैं इन्हां नूं प्रवानगी नहीं दिंदा। मैं अज आखिरी मिनट तक वेट की है गवर्नर हाउस कि शायद मान जाण कि बिलों को प्रवानगी दे दो। एक बिल तो GST वाला सेंटर सरकार का है, सेंटर सरकार ने पास करवाना हरेक स्टेट तो, उहदे नाल सानू भी GST च फायदा होना है, सेंटर ने सारी स्टेटों तो पास करवाना है, मैंडेटरी है वो, तो फिर वह की करनगे वो, तो एंड दे विच की लिखते हैं, एंड दे विच वो ये कहते हैं जे तुसी कहते इस इलीगल सैशन कंटिन्यू रखिया तो मैं मानयोग राष्ट्रपति जी को शिकायत कर दूंगा। इस तो पहला 356 की धमकी भी दे चुके हैं कि मेरे चिट्ठिया जवाब नहीं देंगे मैं थोड़े 356 लाके सरकार तोड़ दूंगा। जनाब स्पीकर साहब, ये पंजाब के लोगों नाल धक्का है, शायद कल्चर का उन्होंने पता नहीं, पंजाब के लोगों ने सरकार चुनी है अपनी, बदलदिया रहिंदियां ने कुर्सियां इधरले उधर उधरले इधर होंदे रहिंदे, पर जो सरकार चुनी है तो चुनी हुई सरकार नूं बिल लोक पक्षी बिल लोक पक्षी सवाल लोक पक्षी जिहड़े डिबेट्स वो कराउण दा हक क्यों नहीं हैगा। इस वक्त पता नहीं कितने दुनिया च बैठे पंजाबी विधानसभा का लाइव सैशन सुन रहे होणगे, हो सकता उन्होंने कोई होवे उम्मीद कि साडा जिहड़ा चुने हुए MLA है कोई सवाल पाऊगा वह की गल करदा है रिकॉर्ड ते जाऊगा। सैशन 20 दिन का कर लो, सैशन 2 दिन का कर लो, पर घट्टो घट्टो
ये तो शक ना करो कि शायद लीगल है या इलीगल। मेरे नाई जी साहब बैठे, सो मैं क्योंकि विरोधी पार्टियां ने भी गल कही है तो स्पीकर साहब मैं नहीं चाहता कि ये जेड़ा रोज रोज का झगड़ा ज्यादा बधे, कोई करप्टन गवर्नर हाउस नाल सरकार दी कोई होवे, पर क्योंकि साढ़े कोले पहला एक्सपीरियंस हैगा, होर स्टेटा का भी एक्सपीरियंस हैगा, मैं थोनू बेनती करदा कि असी कोई बिल पेश नहीं करांगे जिन्ना चिर असी इस गल लई पंजाबियों नू विश्वास नहीं दवा देंदे कि यह सैशन लीगल है, तो गवर्नर नू सारे बिलों की प्रवानगी भी देनी पवेगी तो बाद च साइन भी करने पैणगे। मैं थोनू आग्रह करदा, थोनू बेनती करदा कि असी आने वाले दिनों च सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़कावांगे। सुप्रीम कोर्ट से मैं पता है यहो जे चिट्ठियां नहीं टिकदियां क्योंकि शायद पता नहीं उन्होंने तो कानूनी सलाह भी ली होगी, पर 30 तरीक नूं 30 तक छुट्टियां ने, 30 तरीक नूं असीं सुप्रीम कोर्ट जावांगे इस सैशन दे की आ क्या राजा जी नहीं फिर राजा जी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बिजनेस है पर जिहड़ा जिहड़ा लीगल बिजनेस है वो कर नहीं दे रहे आपां नूं। जे बिल ही ना साइन किए पहला वाले पैदे पिछले फिर आप बिल कट्ठे करी जावे उ राजा जी मैं बेनती कर रहा फैसला वो लैणगे फैसला वो लैणगे पर राजा जी जे लीगल जे सैशन असी हफ्ते च जे जी प्रगट सिंह जी प्रगट सिंह जी हुण सर जो आप अपनी फाइंडिंग ही देती पे लीगल हैगा तो फिर मैनू लगता भी आपां नूं कोई ये कोई इहो जी दिक्कत नहीं होनी चाहिए सिंस यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। ठीक और बाल साहब एक मैं जरूर बेनती करनी चाहना थानू भी इस मुद्दे ते जिहड़ा गवर्नर वाला मुद्दा असीं तुहाडे नाल खड़े आ भी ये जिहड़ी रोज की खिच खिच आ मुन्नी मुकनी चाहीदी आ लेकिन आपां भी 13,000 पंचायतों के उत्ते आपां भी 356 लाती नहीं वैसे मैं तुहाडी नॉलेज लई मैं तुहानू दसना चाहुंदा भी आपां भी 13,000 क्यों कर लांगे जी तुहाडी गल आ गई सारा ठीक आ गई जी मुख्यमंत्री साहब देखो पता की है स्पीकर साहब वालों कोई उन्होंने लीगल क्या वो कस्टोडियन ने हाउस दे पर जिहड़े मनी बिल ने उहदे वास्ते रिकमेंडेशन चाहीदी हुंदी है स्पीकर वह नहीं मिल रही आपां नूं फिर आप बिल पास कर लेंगे और उन्हें कहना ऐ हो गया ऐ हो गया फिर लंबा चलू पर मैं तुहानूं यकीन दवा दिंदा अज किन्नी है 20 है 30 नूं सुप्रीम कोर्ट मिनट 15 लगने ने पहला इन्ने लगे नहीं सीगे तां असीं नवंबर के पहले हफ्ते च दोबारा सैशन धड़ल्लेदार तरीके बद जिहड़ा आ जिहड़ा अपना अद्धा दिन चल गया डेढ़ रह गया ये तो भी ज़्यादा वड्डा सैशन बुला लेंगे पर मनी बिल क्योंकि मनी बिल ने एक तो सेंटर नाल रिलेटेड है मैं जाके सेंटर नाल भी गल करूँगा तो मैं थोनू बेनती करदा फैसला तुसी लेना कि हाउस नू अज सैनेटाइज कर दिता जाए तो असी जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट तो इजाजत लैके वो मनी बिलों वाले रिकमेंडेशन लैके जिहड़ी वो दोबारा इत्थे आना चाहुंदे मेरा ख्याल